हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 17 अप्रैल 2021 और आईपीएल 2021 को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, कल हुए मैच को लेकर, पॉइंट्स टेबल में हमें क्या क्या बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं, इसके साथ ही आईपीएल को लेकर हमारे सामने 8 काफ़ी बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग आईपीएल के बड़े फैंस हैं या फिर अगर अपनी फेवरेट टीम की सभी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, हमें की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आती है कल हुए चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबले को लेकर। दो किंग्स के बीच में हमें फाइट देखने को मिली थी, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम को हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने बहुत ही ज़्यादा आसानी से, बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंगली पंजाब की टीम को हरा दिया। ना सिर्फ सीएसके की टीम ने उनको हरा दिया, बल्कि सीएसके की टीम ने अपने नेट रन रेट को भी बहुत ही ज़्यादा बेटर कर लिया। वहीं पंजाब किंग्स की बात की जाए तो जितना चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का नेट रन रेट बेटर हुआ, उतना ही उनका नेट रन रेट खराब हो गया। तो इससे सबसे बड़ी जो चेंज हमें देखने को मिला वो तो ये था कि सीएसके की टीम नंबर 7 की पोजीशन से सीधा नंबर 2 की पोजीशन पर आ गई है। अब सिर्फ आरसीबी की टीम इनसे ऊपर है और उसके साथ ही उन्होंने अपने नेट रन रेट को कर लिया है +0.6, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इनके सीएसके बहुत बड़ा मार्जिन अगर नहीं रखती अपनी आगे की हार में तो इनका नेट रन रेट कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन पंजाब किंग्स का जो नेट रन रेट है वो अब जा चुका है -0.9 पे। तो आप लोग देख सकते हैं, एक बड़ी हार से बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे में सभी टीमों को मेक श्योर करना होता है कि अगर आप लोग हार भी रहे हैं तो आप अपने मार्जिन को छोटा रखिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट, जो कि निकल कर आती है आज होने वाले मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले को लेकर। अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक हारे हुए मुकाबले को जीतकर यह टीम आ रही है। वहीं अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की, तो इनका केस है बिल्कुल उल्टा, क्योंकि ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से अपने मुकाबले को हार कर यहां पर आ रहे हैं, जो कि ये जीतना चाहते थे, जीत चुके थे ऑलमोस्ट। और ये मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा चेपॉक की पिच पर। तो आप लोग अभी तक समझ ही चुके होंगे चेपॉक की पिच किस तरीके से बिहेव कर रही है, वहां पर रन्स करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो जब ये दोनों ही टीमें भिड़ेंगी, दोनों ही टीमों की बॉलिंग जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इनकी बॉलिंग के बीच में आपको मुकाबला देखने को मिलेगा और आखिर इस मुकाबले से फैसला होते हुए आपको नजर आएगा कि कौन सी टीम की बॉलिंग ज्यादा खतरनाक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी, कौन सी टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आता है एक पोल को रिलेटेड, जो कि पोल किया गया था आईपीएल की सबसे ज्यादा पॉपुलर टीम कौन सी है ऑरमैक्स इंडिया के द्वारा। दरअसल ये लगातार जितने भी पोल हो रहे होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट होती हैं या फिर ट्वीट्स होते हैं, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए इस बारे में डिसीजन लेते हैं। और गाइज इनकी लिस्ट के हिसाब से आईपीएल के पहले वीक में जो टीम सबसे ज्यादा पॉपुलर रही है, उसमें नंबर 1 पर नाम आता है चेन्नई सुपर किंग्स का, नंबर 2 पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, नंबर 3 पर आरसीबी, नंबर 4 पर दिल्ली कैपिटल्स की एंट्री हो चुकी है और नंबर 5 पर नाम आता है सनराइजर्स हैदराबाद का। अब ये किस तरीके से इस चीज को डिटरमाइन करते हैं, इसके बारे में कोई भी इन्फो नहीं है। बस यही बात सामने निकल कर आई है कि सोशल मीडिया के एंगेजमेंट वगैरह को ये लोग चेक करते हैं। अब ये क्या पेड है या फिर क्या चक्कर है, इसके रिगार्डिंग कोई भी डिटेल नहीं है। लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग इनकी इस लिस्ट से सहमत हो या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है आईपीएल 2021 के लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल की कंडीशन को लेकर। तो अब यहां पर सभी टीमों ने दो दो मुकाबले खेल लिए हैं और इस लिस्ट में सिर्फ एक ही टीम ऐसी है जो कि दोनों मैच जीती है, जो कि अगर आप लोग आरसीबी के फैंस हो तो आपको बहुत ही ज्यादा खुश कर देगी, क्योंकि पहले के 3 मैचेस उनके चेपॉक में होने थे और उन तीन टफ मैचेस में से 2 को जीतना उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो आरसीबी के बाद दूसरे नंबर पर आ चुकी है सीएसके की टीम, क्योंकि उन्होंने अपने नेट रन रेट को बहुत ज्यादा अच्छा कर लिया है। तीसरे नंबर पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम, चौथे पर आती है डीसी की टीम और इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर नाम निकल कर आता है सनराइजर्स की टीम का, जो कि एकमात्र ऐसी टीम है जो एक भी मैच नहीं जीती है। तो अगर ये आज का मैच भी नहीं जीतते हैं तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सच में बहुत ज्यादा दिक्कतें स्टार्ट होना यहां पर खड़ी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से। तो डीसी की टीम, जो कि काफी टाइम से अपने सेकंड फास्ट बॉलर यानी कि एनरिक नौरखिया को मिस कर रही है,
टॉम करन जिसको खिला रहे हैं वो काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं, लगातार ही उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब रहा है। तो ऐसे में टॉम करन को अब और ज्यादा डीसी की टीम बियर नहीं कर सकती, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि एनरिक नॉर्किया अब इनकी टीम के साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, वो अपने क्वारंटीन में थे और उसके बाद जब उनकी अब दोबारा से टेस्टिंग हुई है तो वो कोविड नेगेटिव पाए गए हैं और अब वो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो आपको दिल्ली कैपिटल्स की टीम से अगले मुकाबले में रबाडा और उनके साथ ही एनरिक नॉर्किया दोनों ही खेलते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है बेन स्टोक्स को लेकर। बेन स्टोक्स के बारे में जो इनिशियल रिपोर्ट थी ये थी कि आईपीएल से तो ये बाहर हो चुके हैं, लेकिन आईपीएल से बाहर होने के बावजूद भी ये राजस्थान रॉयल्स की टीम के साथ जुड़े रहेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। इस बात को लेकर कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था कि स्टोक्स आखिर खेल नहीं रहे तो आरआर की टीम के साथ जुड़े क्यों हुए हैं, क्या इनका पैसे का चक्कर है, क्योंकि अगर ये आरआर की टीम के साथ ही रहते हैं तो इनको ना खेलने के बावजूद भी पूरा पैसा दिया जाएगा। और गाइस क्योंकि स्टोक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा पैसे लगे हुए हैं तो इसी बात को शायद क्लियर आउट करने के लिए बेन स्टोक्स ने डिसीजन लिया है कि वो वापस अपने घर चले जाएंगे। जब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक वो अपने घर के लिए निकल भी चुके होंगे, जहां पर वो एक सर्जरी के थ्रू जाएंगे और उसके बाद उनको 12 हफ्ते लगेंगे सर्जरी से रिकवर होने में। तो कोई भी चांस नहीं है कि बेन स्टोक्स आप लोगों को आईपीएल 2021 में वापस देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। एमएस धोनी अब वो इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं आईपीएल में कि जब भी वो खेलने के लिए उतरते हैं कोई ना कोई रिकॉर्ड तो बना ही देते हैं, लेकिन इस बार एमएस धोनी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसको देखकर आप लोग भी उनकी कैप्टनसी की तारीफ करेंगे। दरअसल एमएस धोनी ने जब लास्ट मैच खेला था तो हमने आपको बताया था दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ कि जो नया ओवर का रूल आ चुका है कि 90 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को दूसरी इनिंग को खत्म करना होता है, तो धोनी उस रूल को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए उनके ऊपर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया था। लेकिन गाइज एमएस धोनी ने अपनी उस गलती से बहुत ही अच्छे तरीके से सीख ली और इस मुकाबले में वो पहले कैप्टन बन गए जिन्होंने 90 मिनट के अंदर अंदर ही पारी को खत्म कर दिया। 87 यानी कि 87 मिनट में एमएस धोनी ने पंजाब किंग्स की पारी को निपटा दिया था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि इस पारी में बहुत ज्यादा विकेट्स गिरे और आप सब लोग इस चीज को समझते होंगे कि विकेट अगर गिरता है तो फिर प्लेयर को अंदर बाहर जाने में काफी टाइम वेस्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एमएस धोनी ने 87 मिनट में इस पारी को खत्म कर दिया। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से। कुछ दिन पहले हमने आपको अपडेट दी थी कि जेसन रॉय एक दो दिन में अब एसआरएच की टीम से जुड़ने वाले हैं और फाइनली जेसन रॉय सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से ना सिर्फ जुड़ चुके हैं बल्कि अब वो सिलेक्शन के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। आज होने वाले मैच में भी वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन गाइस क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि आखिर जेसन रॉय खेलेंगे कहां पर। और सेम चीज सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस भी उनसे पूछ रहे हैं कि जब आपने केन विलियमसन जैसे प्लेयर को बाहर रखा है, मोहम्मद दबी जैसे प्लेयर की टीम में जगह नहीं बन पा रही है, तो फिर आप जेसन रॉय को किस पोजीशन पर खिलाना एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जॉनी बैरिस्टो की जगह भी कंफर्म नहीं है। और ऐसे में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को कि कौन से चार फॉरेन प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल करें, क्योंकि डेविड वार्नर और राशिद खान तो फिक्स हैं ही, लेकिन उनके अलावा बाकी के दो प्लेयर्स ढूंढने में हर बार की तरह एसआरएच की टीम को इस बार भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से कौन से चार फॉरेन प्लेयर्स के साथ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को खेलने के लिए उतरना चाहिए। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।